आइए फ्रेंड्स, हम अब बुनना शुरू करते हैं। तो हमारा धागा फ्रेंड्स यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे बुनना। यहाँ पर ये हमारा बचा हुआ धागा, इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स हम, इस जगह से। एक सीधा एक उल्टा करना है फ्रेंड्स। बुनते समय आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि मतलब ये अगल बगल वाले जो हैं इनको आप थोड़ा ऐसे कर दोगे ताकि वो फंदे निकल ना जाए, बहुत सावधानी से, क्योंकि दोनों ओर से ये सलाइयाँ खुली होती हैं, तो बहुत ध्यान से इसको बुनना पड़ता है। आराम से आप धीरे धीरे बुनना, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी आप करोगे तो कोई ना कोई फंदा गिर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा और पूरा आपकी मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी। तो आपको आराम से बुनना है इसको, क्योंकि सबसे सुंदर गला ही होता है, गला सबसे ज़्यादा सुंदर बनना चाहिए, तभी स्वेटर का पूरा शो उस पर डिपेंड करता है। तो आप आराम से बनाइए इसको, मैं जब कॉर्नर पे आ जाएंगे तब बताती हूँ फ्रेंड्स कि अगर बीच में कोई गैप है तो वहाँ पे कैसे आपको एडजस्ट करना है। ये आ गए हैं, एक सिलाई की हमारी कंप्लीट हो गई। ये फ्रेंड्स ये हो गया है पूरा, इस सिलाई के पूरे फंदे कंप्लीट हो गए। तो हमारा सीधे पे ख़त्म हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है अब नेक्स्ट आपको उल्टे से शुरू करना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ है कि उस साइड से मैंने यहाँ पर एक फंदा उठा लिया था इस जगह पे, तो यहाँ पे आपको एक फंदा उठा लेना है, क्योंकि फिर नहीं उठाओगे तो यहाँ पर गैप दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक फंदा आप ऐसे उठा लो इस तरह से, और उसके बाद बुन लेंगे। अभी हमारा सीधे में ख़त्म हुआ था फ्रेंड्स, तो अभी हम उल्टे से यहाँ स्टार्ट कर देंगे। ये उल्टा हो गया, अब इसको यहाँ रहने देंगे, दूसरी सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि अलग अलग सिलाई से हमें बुननी है। अब यहाँ से सीधे से स्टार्ट हो गया हमारा, तो मैंने फंदे गिन लिए हैं फ्रेंड्स, पूरे फंदे बराबर है, न कम न ज़्यादा। तो कम ज़्यादा होता है तो उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बस सिर्फ इस रो में मुझे दो फंदे और एक्स्ट्रा लेने हैं, जो कि इस रो से यहाँ दो कम है मेरे, तो वो बीच में मैं कहीं भी उसको उठा लूँगी। इस तरह से आपको बुनते हुए जाना है, जहाँ सेंटर का जो पिन रखा है मैंने वहाँ पे आएंगे फ्रेंड्स, तो वहाँ मैं आपको बताऊँगी क्या करना है।
सिलाइयाँ थोड़ी बीच बीच में आती हैं, तो इसमें थोड़ा सा परेशानी होता है बुनने में, लेकिन आराम से हम बुन सकते हैं। अब यहाँ पे एक फंदा उठा लेती हूँ फ्रेंड्स। मैं दो फंदे कम है मैंने बताए थे आपको, तो यहाँ पे मैं एक उठा लिया मैंने एक फंदा, अब बचा सिर्फ एक, एक और मुझे उठा लेना है बीच में कहीं, दोनों तरफ, क्योंकि एक बराबर फंदा होना चाहिए, तभी गला एकदम आपका शेप में आएगा, वरना टेढ़ा भी हो सकता है, एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा होगा, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आगे आगे थोड़े फंदे खिसका लोगे जब आप बनाते जाओगे, तो आपको आसानी पड़ेगी बुनने में। बस थोड़ा सा रह गया फ्रेंड्स, इसके बाद बीच वाला फंदा जो है, जो तीन का एक करते हैं वो वाला आप देख लीजिएगा, बस फिर आपको कुछ नहीं करना है, हर बार पूरा आप राउंड बुन के आओगे और वहाँ पे सेंटर पे तीन का एक कर दोगे, तो आपका गला बनता जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है इसमें, लास्ट में फिर फंदे बंद कर देंगे। ये हम आ गए हैं फ्रेंड्स, अभी आ ही रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं वहां पर। यहाँ पे एक फ्रेंड मैंने फंदा एक और ले लिया है, तो हमारा जो है हिसाब अब बराबर हो गया है, अभी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधे बुनते चले जाना है, और सेंटर पे आके जो हमारा फंदा है वहाँ पे आपको देखना है कि किस तरह से घटाएंगे वहाँ पे, ताकि एकदम वो जो चेन बीच वाली है वो स्ट्रेट आए। पूरा नहीं बुनना है फ्रेंड्स, एक फंदा आपको रखना है इस सिलाई का, उसी से वो चेन बनेगी, जो लास्ट की चेन है उसी से बनेगी, तीन का एक जो है, एक उसमें का, एक बीच का, एक इस साइड का, तीनों को मिला के वो चेन बनता है। ये देखिए अब आ गए हम एकदम, ये एक बचा है फ्रेंड ये वाला, इसको बुना नहीं है हमने। अब आपको क्या करना है, ये वाला एक,
ये वाला एक फंदा फ्रेंड्स, और इसको इस तरफ आप ले लोगे इसमें, और जो पिन वाला फंदा है हमारा इसको खोल लेते हैं, इसको भी इसके ऊपर ले लोगे ऐसे इस तरह से, ठीक है। अब आपको तीनों को इकट्ठा बुन लेना है, एक ये और एक इस सिलाई का जो एक है, इन तीनों को इकट्ठा ऐसा बुनना है आपको ऐसे। ये हमारा फंदा आ गया बीच वाला, इसको आप फिर पिन पे लगा दोगे इस तरह से, ये हो गया। अब हम यहाँ से इस साइड से बनाना शुरू करेंगे। ये वाली लाइन पूरी बनाएंगे फ्रेंड्स हम इस साइड की, फिर पूरा गोल घूम के आएंगे, तो फिर से यहाँ पे हमें तीन का एक करना है। जब फिर सेंटर में आएंगे तो फिर आपको मैं बताऊंगी कैसा करना है। तो ये बुनना स्टार्ट किया था मैंने, आपको बताया था। उसके बाद ये जितनी चौड़ाई हमें रखनी है उतनी चौड़ाई हमने इसमें रख ली है। अब ये कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, इसको अब हम बंद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेंटर पे ये लाइन कितनी अच्छी आई है, ये देखिए ये सेंटर की लाइन है हमारी। और अब हम यहाँ तक बुन के ले गए, यहीं से हमने स्टार्ट किया था, तो अब यहीं से हम बंद करना इसको शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बंद करना। बंद करके जब मैं यहाँ बीच में आऊँगी फ्रेंड्स, तब मैं बताऊँगी आपको यहाँ पर वैसे ही करना है आपको, तीन का एक करके फिर फंदा बंद करना है। तो यहाँ से हम फंदा बंद करना स्टार्ट करते हैं। वैसे ही बंद करेंगे फ्रेंड्स, लेकिन इसमें क्या है, उल्टे में उल्टा बुनना आप और सीधे में सीधा बुनना, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी इसमें। तो ये हम बंद करना शुरू कर रहे हैं। ये पीछे का फंदा आपको लेके उसके ऊपर डाल देना है। अब सीधा है तो सीधा बुनोगे, फिर पीछे वाला फंदा लेके इसको इसके ऊपर से फिर दोगे इस तरह। अब उल्टा है तो उल्टा बुनेंगे इस तरह से, और इसमें भी पीछे वाला फंदा लेके इसके ऊपर से इस तरह से पिरो देंगे। अब फिर सीधा है तो सीधा बुनेंगे, फिर पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से निकाल देंगे इस तरह से। पूरी लाइन करना है फ्रेंड्स, फिर सीधा फिर उल्टा। फिर सीधा फिर उल्टा। फिर सीधा
फिर उल्टा। फिर सीधा, फिर उल्टा। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर आया है, ये देखिए दोनों ओर से बहुत ही सुंदर तरीके से बंद हो रहा है। तो ये पूरा बंद करके जब मैं सेंटर पे आती हूँ तब आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आ गए हैं हम, ये बंद करते हुए सेंटर पे आ गए। ये वाला जो सेंटर पर हमारी लाइन है यहाँ पर आ गए। आप कैसे करना है देखिए, सबसे पहले तो हमें 3 का 1 करना है। यहाँ तक हमने बंद किया, ये एक फंदा छूटा है, तो अब इसको सेंटर वाले को इधर पकड़ लेंगे, ये वाले फंदे को इधर कर लेंगे और ये सेंटर वाले फंदे को इसके ऊपर कर लेंगे इस तरह से ऐसे। अब धागे को पीछे ले लोगे, लेके ये तीनों को 1 2 और इस लाइन का 3, इधर का 1 उधर का 1 और बीच का 1, तीनों को हमने एक लाइन में ले लिया है। पहले चेन, उसके बाद इस साइड वाला, उसके बाद इस साइड वाला लेके अब इसमें से हम बुन देंगे। ये देखिए ये हमने बुन लिया है ऐसे। अब ये वाला फंदा जो बैक वाला है इसमें से इसको उतार लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हम इसको ले लेंगे, ये ले लिया। अब फिर इस साइड चले आए हम, यहाँ से बुनना शुरू कर दिया, यहाँ से बंद करना शुरू कर देंगे। ये अब उल्टा आया, फिर सीधा आया, फिर उल्टा आया, फिर सीधा आया, फिर उल्टा आया, फिर सीधा आया। फिर उल्टा आया, फिर सीधा आया, इस तरह से पूरी लाइन हमको बंद करते हुए चले जाना है। अब फ्रेंड्स देखिए ये कितना अच्छा आया है, ये बीच वाला, ये देखिए एकदम सुंदर सा भी आया है ये। अब ये बंद करते हुए हम यहाँ चले जाएंगे पूरा यहाँ तक, यहाँ पे लास्ट में फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। फ्रेंड्स देखिए ये बन गया है, गला तैयार हो गया हमारा, देखिए कितना सुंदर बना है ये पूरा रेडी हो गया हमारा गला। अब यहाँ पे हमने ख़त्म किया था फ्रेंड्स इस जगह पे, अब आपको क्या करना है, यहाँ तो ख़त्म हो गया आपका, अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स। इसको तो यहाँ बंद कर दिया हमने फंदे को, ठीक है। अब यहाँ से जो हमने शुरू किया था ना, यहाँ से इस जगह से, यहाँ से देखिए हमने फ्रेंड्स हटाना शुरू किया था, इसी जगह पे आपको डालना है, ठीक है। इसके साथ आपको मिला देना है ऐसे, इस तरह से।
ये पूरा बंद कर दिया हमने यहाँ पे, ये पता भी नहीं चल रहा है। अब इसको आप क्या करोगे, इस धागे को यहाँ से आप निकालोगे, इस जगह से। इस जगह से ऐसे अंदर ही अंदर निकालोगे इस तरह से कि पता भी नहीं चलेगा। देखिए दोनों ओर से पता नहीं चल रहा है और जोड़ भी पता नहीं चल रहा है। अब आपको यहाँ पे इसको गांठ लगा देना है। गांठ लगा दिया हमने, अब इसको काट दो यहाँ से। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बन गया हमारा गला स्वेटर का, पूरा तैयार हो गया। ये देखिए ये हमारा गला तैयार हो गया फ्रेंड्स, पूरा भी गला। अब इसी तरह हाथ के फंदे ये बताऊंगी मैं आपको। ये गला तो कंप्लीट हो गया हमारा, अब ये हाथ का फंदा फ्रेंड्स ये उठाना बताऊंगी मैं। एक साइड तो बना के रखा है मैंने, लेकिन दूसरे साइड में मैंने नहीं बनाया आपको समझाने के लिए। अब ये वाले साइड में फंदे उठा के मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। गला तो देख लिया फ्रेंड्स आपने, देखिए कितना खूबसूरत बना है, शेप भी अच्छा बना है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा गले को। थैंक यू फ्रेंड्स।